आखिरकार कल रात 11:40 पर उन्नाव रेप केस पीड़िता ने सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें, उन्नाव रेप केस पीड़िता को लखनऊ से एयरलिफ्ट करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा था। नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्नाव रेप केस पीड़िता को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर कल रात 11:40 पर उसने दम तोड़ दिया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता की तबीयत रात 8:30 के आसपास काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते दवा की डोज को बढ़ा दिया गया। हालांकि दवा की डोज को बढ़ाने के बाद भी रात 11:40 पर पीड़िता को हार्ट अटैक आया और जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश में अफरा तफरी सी मच गई है। लोगों के बीच में यह मांग होने लगी है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया जाए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कितनी गंभीर है। आपको बता दें, 26/11 के आरोपी हाफिज सईद आए दिन पाकिस्तान में रैलियां करते हुए नजर आते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे साथ है तो उसे इन आरोपियों के ऊपर कठोर से कठोर कदम उठाना होगा। आपको बता दें कि ये आरोपी आए दिन कुछ न कुछ नए बहाने बनाकर जेल जाने से बचते रहे हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ऐसा नहीं चलने वाला है। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 पर हमारा फैसला राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर ये नया भारत है, पर नए भारत के इन फैसलों को टाला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ ये भी कहा कि धारा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद से घाटी में विकास की एक नई राह खुल गई है। दिल्ली में इंडिया गेट पर चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच में एक तीखी झड़प हुई, जिसमें कई लड़कियां बेहोश हो गईं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में प्रदर्शनकारियों ने वहां पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की बौछार की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ बर्बरता के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया था। आपको बता दें, हैदराबाद के दो वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है। इस मामले में पुलिस वालों के ऊपर FIR भी दर्ज करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं दिन की आखिरी सबसे बड़ी खबर की। मामला है सबसे पुराने केस अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद का। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। अपनी दायर की हुई याचिका में मुस्लिम पक्ष ने 8 प्रमुख दलीलें रखी हैं। आइए आपको बताते हैं इस पुनर्विचार याचिका के कुछ प्रमुख बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि 1992 में मस्जिद को ढहाया गया था, जिससे पता चलता है कि ये जगह नमाज पढ़ने की ही जगह है।
याचिका में अगला बिंदु यह रखा गया है कि निर्मोही अखाड़े का 1950 से पहले वहां पर पूजा करने का क्लेम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो फिर हिंदू वहां पर किस लिए जाते थे, क्योंकि हिंदू सभ्यता में तो किसी ऑब्जेक्ट को वहां पर मानकर पूजा की जाती है। याचिका के तीसरे बिंदु में कहा गया कि पहले यह जमीन की बात थी, अब देवता की बात कहां से आ गई? क्या हिंदू धर्म में चोरी किए गए स्थान पर मूर्ति रखकर पूजा किए जाना उचित है? याचिका के अगले बिंदु में यह कहा गया कि बाबर के विध्वंस का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। कोर्ट ने यह बात भी नहीं मानी है कि बाबर ने विध्वंस किया था। दलील के अगले बिंदु में कहा गया कि कोर्ट यह तो मान रहा है कि यहां पर मस्जिद थी, पर इसका उपयोग करता कौन था यह मानने को तैयार नहीं है। अब अगर यहां पर मस्जिद थी तो यह जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग करता मुसलमान ही होगा। दलील के अगले बिंदु में कहा गया कि ऐसी मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और जो चोरी से रखी गई है उसको देवता कैसे माना जा सकता है? तो ये थी आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ। स्वराज्य भारत से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।